शनिवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT के न्याय परिषद की बैठक हजारीबाग जिला उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में नए समाहरणालय भवन अवस्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें बतौर आमंत्रित सदस्य के रूप में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू होनी थी, लेकिन करीब 11:45 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने के पश्चात जैसे ही DMFT मद अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं का स्थल जांच के उपरांत प्रतिवेदन की प्रति हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के हाथों पहुंची, वैसे ही विधायक जायसवाल ने इस प्रतिवेदन का आकलन किया, जिसमें योजनाओं के चयन में सदर विधानसभा क्षेत्र की हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा किए गए। भारी अनदेखी को देखते हुए वे रुष्ट हो गए और इस बैठक का बहिष्कार करते हुए बैठक सभागार से बाहर निकल गए। विधायक मनीष जायसवाल ने स्थानीय सदर प्रखंड सह अंचल कार्यकाल के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात यहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए DMFT मत अंतर्गत की गई योजनाओं के चयन में हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के साथ सौतेला व्यवहार करने और यहां की जनता को हजारीबाग जिले के अन्य प्रखंडों के मुताबिक समान अधिकार नहीं दिए जाने की बात को रखते हुए अपने दर्द को बखूबी बयां किया। उन्होंने कहा कि DMFT मद की योजनाओं के चयन में वर्तमान हजारीबाग जिला प्रशासन का आचरण बिल्कुल ही प्रशासनिक बेईमानी का है, जिसका ज्वलंत उदाहरण उन्होंने उक्त योजना का स्थल जांच के उपरांत तैयार किए गए प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद मानता हूं कि जिस क्षेत्र में खनन संबंधी संचालन का कार्य होता है, वैसे क्षेत्र में DMFT की योजनाओं में विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में योजनाओं के चयन में बगैर किसी भेदभाव के बराबर की योजनाएं संचालित की जानी चाहिए। लेकिन हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारी सत्ता पक्ष के चाटुकारिता में और सत्ता पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए जो अन्यायपूर्ण कार्य कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बैठक 11 बजे के लिए शेड्यूल था और हमको लगता है कि लगभग 12:15 बजे के आसपास में शुरू हुआ। यार उससे हमको कोई शिकायत नहीं है कि कब शुरू हुआ, लेकिन इस जो अभी वर्तमान जिला प्रशासन का जो आचरण है वो एकदम बिल्कुल ही प्रशासनिक बेईमानी का उदाहरण इन लोगों ने प्रस्तुत किया। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि DMFT की पहले की कार्रवाई में ये पास किया गया था कि जो एरिया डायरेक्टली मिनरल इफेक्टेड है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन जो साथ में अन्य इलाके भी जो हैं, अन्य प्रखंड जहाँ माइनिंग का डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं होता लेकिन कोई ना कोई इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, उसको भी इसमें घोषित किया जाएगा। अब जो योजनाओं का इंस्पेक्शन का एक रिपोर्ट है, DMFT मद अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं के स्थल जांच के उपरांत प्रतिवेदन, अब इसी में से जो स्थल जांच हुआ है इसी में से योजना चयन किया जाएगा। इसमें हजारीबाग विधानसभा संबंधित आप देखिएगा तो कटकम सांडी का एक योजना किया गया है, सदर पूरे प्रखंड का एक योजना। कटकम सांडी में आज के दिन में 17 पंचायत है, 18 पंचायत में से एक अभी जो है नगर निगम में जो है, मतलब पंचायत तो एक्चुअली 18 ही है लेकिन एक पंचायत का अस्तित्व थोड़ा कम हो गया तो नगर निगम के जैसे ये करने के लिए। सदर में 25 पंचायत है और यहाँ पर भी एक योजना को जो है चयनित किया गया है और ये मैं आपको प्रमाण के साथ अभी दिखाऊंगा। दारू में इस जो हमारा सदर विधानसभा है उसका 4 योजना दिया गया है और कटकम दाग में 8 छोटी छोटी योजनाओं को किया गया है। आप देख सकते हैं जो रिकमेंडेशन है उसमें यहाँ से शुरू हो रहा है 476 नंबर से और हम लोगों ने बहुत सारा आपको लगता है 8-10 पेज का रिकमेंडेशन जो है हम लोगों ने उनको दिया था। जबकि इसके तुलना में अगर आप देखेंगे तो जो अन्य प्रखंड है, मेरा किसी भी प्रखंड से कोई वैर वंदना सो नहीं है, हमारा कहना है कि प्रशासन को अपने हर एक इलाके को एक नजरिए से देखना चाहिए, न कि जिसके जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं
हम लोग भी सत्ता पक्ष में रहे थे, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि हमारे समय में जो है वो किसी भी प्रकार का इस तरीके का रीजनल बेईमानी जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया गया हो। अगर 30 किलोमीटर रोड हमको मिलता था तो जहां विपक्ष के विधायक थे उनको भी 30 किलोमीटर रोड ही दिया जाता था। उस समय डीएमएफटी फंड बहुत ज्यादा चलन में नहीं था। और उस समय अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।